हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। एंड जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं भी आपको बताने वाला हूँ एम कॉम की जो भी डेट शीट्स है। मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया था पीडीएफ फॉर्म में। वो चीजें जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। फिलहाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्टली आपको वेबसाइट के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपको दिख जाएगा, ये सारा का सारा आपको सारा कोर्सेज का यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे आप जो भी आपको एग्जाम देने हैं, आपको देख लेना है कि आपको ये पेपर देने हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एम कॉम के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, एम कॉम जो ओल्ड है या फिर एम कॉम जो न्यू है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपको पीडीएफ वाइज चाहिए तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फीस बहुत ज्यादा नहीं है। बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 10 रुपीज पर मंथ है और एम कॉम के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 30 रुपीज पर मंथ है। इसमें जो है आपको डेट शीट, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स ऑन डिमांड अगर आपको चाहिए होगा, कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि लेक्चर आपको मिले, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। नोट्स आपको बहुत ही सस्ते प्राइस से मिल जाएंगे। 200 रुपीज पर पेपर जो है प्राइस रखा गया है एम कॉम का, और बी कॉम का जो है वो 100 रुपीज पर पेपर है। तो प्राइसेस काफी रिड्यूस कर दी गई हैं अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। साथ ही साथ इग्नू की अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाएंगी, एंड जो भी नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे जो है आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सोच रहा था, बट मेरी तबीयत खराब हो गई एंड मैं क्लासेस करा नहीं पाया, और थोड़ा सा हेक्टिक जॉब भी है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको नोट्स देता हूँ, आप नोट्स लेते हैं, नोट्स के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, आप मुझसे ग्रुप में बात करें, मैं डेफिनेटली कोई डेट असाइन कर दूंगा, उस डेट पे मैं आपको वो सारी चीजें जो है पढ़ा दूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होंगी, आपको बस नोट डाउन करके रखना है कि ये टॉपिक्स जो है हमें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे कम से कम 1 या 2 दिन पहले बता देना कि सर ये चीजें जो है मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उसके ऊपर मैं सारी चीजें जो है इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद मैं आपको ठीक तरीके से समझाऊं। ठीक है ना। सो एज फार एज नाउ द डेट शीट इज कंसर्न, इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हो बी कॉम एम कॉम का जो फर्स्ट ईयर था, ओल्ड वाला, IBO 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आपको जो स्टार्टिंग के 6 पोर्शन दिख रहे हैं वो एम कॉम फर्स्ट ईयर के हैं, जो कि ओल्ड कोर्स में थे। ठीक है ना, नए वाले कोर्स में आपका जो है MCO 1, MCO 3, MCO 4, MCO 5 और MCO 21, ये आपका नए वाला फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो ये डेट्स जो है सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपका जो भी पेपर है आप उसको देख करके इसको नोट डाउन करके रख लो, यहाँ से भी आपको वो सहूलियत मिल जाएगी जो पीडीएफ से मिलेगी। पीडीएफ में हालांकि मैंने कोर्सेज वाइज वहाँ पे उसको जो है असाइन कर दिया है ठीक तरीके से। मतलब अगर आप एम कॉम ओल्ड में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको आईबीओ का सारा दिख जाएगा। सेकेंड ईयर में हो तो एमसीओ का सारा दिख जाएगा। अगर आप एम कॉम न्यू कोर्स में हो तो वहाँ पे आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर का आपको दिख जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर का दिख जाएगा, है ना। उस तरीके से करके वहाँ पे जो है अच्छे तरीके से बाइफर्केट किया हुआ है। इफ यू वांट टू सी दैट, यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप जाकर के इन सारी चीजों को, पीडीएफ्स को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ से भी आपको वो सारी चीजें जो है दिख जा रही है। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज मुझे पूछो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियोस बनाने की। कोशिश मैं करूंगा, मैं बनाऊंगा, अभी मैं पहले से काफी ठीक हूँ। सो यू कैन डू इट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।